अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। दूरी न रहे कोई आज कौन है इस वक्त? अफ़ा कौन यार ये ग्लास भाई तेरी कौन आ गया है? चैन नहीं है जिस घर में चौकीदार भी मैं तो बावर्ची भी मैं हानिया को भी देखूं और ये गेट भी मेरे नसीब में। हाय यार इतने सुबह सुबह कॉल है इडियट्स। अंकल आइए आइए तशरीफ रखे। मैं यहां बैठ जाऊं? जी बैठे। अच्छा वैसे तो आपने तारुफ करा दिया, आप शादियां करवाती हैं, रिश्ते करवा। जी जी जी। फिर भी जरा खुल के जरा तारुफ करवा दीजिए। सो मैं शब्स, मेरा नाम है शबाना, मेरा काम है रिश्ते कराना। क्या बता रही थी आप? बता तो मैं कुछ नहीं रही थी, बस आप अपनी डिमांड बताएं और झट से रिश्ता पाएं। अरे वाह आप बिल्कुल सही जगह पे आई हैं। मुझे ना एक अच्छा सा लड़का चाहिए जो होनहार हो, हैंडसम हो, समझदार हो और कोई अच्छी सी जॉब भी करता हो और हर बात को समझता हो। तो कोई ऐसा रिश्ता है आपकी नज़र में? तोबा तोबा अंकल, देखने में तो ऐसे नहीं लगे मगर सोच अंकल की बिल्कुल अमेरिका वाली है। मगर तुझे क्या शबाना, तू रिश्ता करवा और अपनी कमीशन पकड़। क्या हुआ, कोई है ऐसा कोई लड़का आपकी नज़र में? अरे कुछ नहीं, ऐसे तो बहुत है, बस एक आध दिन में मिलवा देती हूँ मैं आपसे। अरे ये तो कमाल ही हो गया। तो मैं आपके लिए चाय पियेंगी आप? मैं खाली चाय नहीं पीती, अगर साथ में कुछ है तो वो भी लेते हुए आ जाएगा, बिस्किट वगैरह। मैं देखता हूँ, मैं लेता जी। आप कौन? मैं शेव्स, शबाना रिश्ते कराने वाली। आप जल्दी से ये बताएं कि आपके पास कोई खूबसूरत सी पटाखा सी आंटी है, गोरे गोरे गाल, लंबे बाल, उम्र 40 साल या 45 के करीब भी चलेगी, ओपन माइंडेड? यस बिल्कुल ओपन माइंडेड। अगर ऐसी है कोई आंटी तो प्लीज मुझे जल्दी से मिलवा दे, पैसों की फिक्र ना करें, जितने पैसे बोलेंगी मैं आपको दूंगी। हाँ हाँ बिल्कुल है, क्यों नहीं है। यस अब एक काम करें, मुझे जल्दी से मिलवा दें,
बस दो दिन में मिलवा दूंगी मैं आपसे। नाउ यू शुड लीव, आप चलिए यहाँ से निकलिए। चलिए मैं आपको छोड़ के आती हूँ। वो मेरी चाय। अरे चाय पानी की फिक्र ना करें आप, सब मिलेगा आपको। आप ना बस दो दिन में मेरा काम कर दीजिए। चलिए कम प्लीज कम 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 कम। चल हट बे। अच्छा हाँ मोना 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 शाबाश। ये क्या हालत बना रखी तुमने अपनी? सफाई का थोड़ा सा काम था मैंने कर दिया और मैंने सब्जी भी काट दी। हाँ सीरियसली? लेकिन ये सब काम तो मैं कर लेती हूँ अरसल। तो आपको भी करना था मैंने कर दिया, इसी का फर्क पड़ता है। अब हटो 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 हटो। अरे अच्छा ना हट रही हूँ, अब फिर वहां से भी साफ करो और वो वाला एरिया भी, वो वाला। अरे आइए 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 नहीं एक 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 आइए आइए। पहले बताती कि आप रिश्ते, एक्चुअली मुझे ना एक हैंडसम गुड लुकिंग चार्मिंग पढ़े लिखे तमीज़दार समझने वाले, जॉब करते हों या अपना बिजनेस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस ये कि समझने वाले होने चाहिए, 50-55 साल। दिखा सकती हैं? कौन? अरे जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, एक अंकल थोड़े ओपन माइंडेड हैं कोई ऐसे नज़र में। कहाँ मैं अमेरिका जाने का सोच रही हूँ और कहाँ ये अमेरिका हमारे ही घरों तक पहुँच चुका है। क्या हो गया है आजकल के लोगों की पसंद को? सोच क्या रही है? है कोई? आजकल तो सभी ऐसे हैं, लेकिन मेरी नजर में आपके लिए भी एक ऐसे हैं। तो यहाँ बैठी क्या कर रही है? जाए ना उनसे बात करें, मिलवाए हमसे, भले आजकल में ही मिलवा दें, जाए बात करें बात करें। हाँ हाँ मिलवाती हूँ एक आध दिन में आपको। कल ही मिल लेंगे, एक, 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 आप जाए बात करें, हम कल मिलते हैं उनसे। हाँ क्या अबे यार तू भी ना मत। अरसल चाय तई। आप कौन है? मैं शेव्स, मेरा नाम है शबाना और मेरा काम है रिश्ते करवाना। मुझे पता चला है कि यहाँ रिश्ते की जरूरत है। अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, यानी आप रिश्ता लेकर खुद ही घर तक आ गई। लगता है इस बार मेरा काम हो जाएगा। चाय पिए ना। मुझे ना एक बहुत ही खूबसूरत और क्यूट सी लड़की चाहिए, बिल्कुल अपनी तरह, जो दिखने में खूबसूरत हो, समझदार हो, पढ़ी लिखी हो, घर चलाना जानती हो और सबसे ज्यादा मुझे समझे। अब देखिए भाई, मैं ना ओल्ड माइंड लोगों को पसंद नहीं करती, इसीलिए इतनी खुलकर बात कर रही हूँ आपसे। आपकी नज़र में है कोई ऐसी लड़की? मुझे तो लगता है सभी ऐसी हैं। क्या मतलब? बिल्कुल एक ऐसे ही लड़की मेरी नज़र में है, बस एक आध दिन में मिलवाती हूँ। क्या बात कर रही हैं, आपने तो ये कह के मेरा दिल ही खुश कर दिया। बस इसी बात पे चाय पीकर मुँह मीठा कीजिए। अगर इस बार मेरा काम हो गया ना तो मैं आपको आपकी फीस के साथ साथ एक बहुत ही खूबसूरत इनाम भी दूंगी। झूठ नहीं बोल रही हूँ, अपनी क्यूटनेस की कसम। चाय पिए। तो असल बेटा जॉब ना करते हैं से क्या फर्क पड़ता है मैं कहाँ जॉब करता हूँ? लेकिन आप पूछ रहे तो मैं बता रहा हूँ कि मैं एक प्राइवेट प्रोडक्शन में कंटेंट देखता हूँ, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आप क्या करते हैं? हाँ अली रिटायरमेंट के बाद एक बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की है मैंने। अरे माशाल्लाह ये तो और भी अच्छी बात है, अर्निंग भी अच्छी होगी, इसका मतलब है घर का खर्चा अच्छा चलता होगा। नहीं जी जी जी
वैसे आप तो घर के सारे काम कर ही लेती होंगी, ये बताएं खाने में क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं तो सब अच्छा बना लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता है। वाओ, ये तो और भी अच्छी बात है, कम से कम घर का खाना तो ढंग का खाने को मिलेगा। मैं तो वैसे भी किचन में बहुत कम जाती हूँ। और बताएं आपकी हॉबीज क्या है? मेरी हॉबीज, कभी कभी बुक्स पढ़ लेती हूँ, अच्छा लगता है मुझे किताबें पढ़ना। लेकिन मैं सोच रही थी कि क्वालिफिकेशन से क्या फर्क पड़ता है, कौन सा जॉब करनी है, वैसे इतनी है कि आपकी बुक्स पढ़ सकें। वैसे मैं आपको एक ज़रूरी बात अभी से बता दूं, आपको फ्रेंड्स से कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? क्योंकि इनका वहाँ जाना और उनका अक्सर घर में आना मामूल है, ये सब आपको मैनेज करना पड़ेगा। डू नॉट वरी, ऑल आर मेरे फ्रेंड। नहीं, उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बस पूछना ये था कि अल्कोहल वगैरह तो। अस्तग़फ़िरुल्लाह, कैसी बेशर्मी वाली बातें कर रहे हो? मैं तो बस कहीं तुम लेते तो नहीं? आप ऐसे कैसे बात कर सकते हैं अरसल के साथ, शर्म तो आपको आनी चाहिए। एक तो आपको मेल फ्रेंड से कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऊपर से बातें बना रहे। उठो अरसल, हमें नहीं करना यहाँ पे रिश्ता, बड़े आए शर्म से खाने वाले। चलो, अरे जाए जाए, चलो, हमें भी ऐसी वैसी लोगों से कोई रिश्ता नहीं रखना। पता, सब मेरी गलती है, तो कौन ऐसी बात पूछता है किसी के घर में जाके? तुम्हारी गलती क्यों है, तुमने तो बिल्कुल ठीक किया उनके मुंह पर ऐसी बात पूछ के। अरे हद हो गई, उस लड़की के सारे फ्रेंड्स मेल हैं, और तो और घर में भी आते हैं, और उनके मामा जी को इस बात की कोई परवाह ही नहीं, वो बॉदर ही नहीं करते। नहीं, वो ना, वो अपने नहीं, अपने मामू के मेल फ्रेंड्स की बात कर रही। तुम्हें कैसे पता, ज्यादा फेवर मत करो। और तो और मुझसे पूछ रही आपको खाना बनाना आता है? अरे हद हो गई, मैं क्यों बताऊंगी मुझे क्या क्या बनाना आता है? अब जाहिर है ना, घर के कामों की, खाना पकाने की बात वो आपसे करेगी, मुझसे थोड़ी करेगी। आफरीन है अरसल तुम पे, वैसे मुसलसल उल्टी बात कर रहे हो तुम। और हाँ, याद आया, वो क्वालिफिकेशन वाली बात याद है? क्या फर्क पड़ता है कौन सी जॉब करनी है? अरे हद हो गई, मतलब ऐसी लड़की ना मैं कभी अपने घर ना लेकर आऊं। एक सेकंड, आप मेरे लिए लड़की देखने गई थी वहां? नहीं, तुम्हें लेकर वहां सब्जी खरीदने गई थी। पागल हो गए हो क्या, यानी कि तुम्हें अभी तक? अरसल फौरन उठो यहां से, जहर लग रहे हो मुझे, मार खाओगे मुझसे, अपने कमरे पर जाओ, उठो। ए, मतलब अब सब्जी लेनी थी तो मुझे बता देती, मेरा भी भिंडी खाने को दिल कर रहा था। तुम उठो यहाँ से, उठ जाओ फौरन, उठो मैंने कहा, जाओ अपने कमरे में। अच्छा एक मिनट, नहीं मैं ये पूछ रहा था कि तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछोगे और अभी अभी उठोगे, मैं तुम्हारा गला दबा दूंगी, जाओ यहाँ से, जहर लग रहे हो मुझे, उठो उठो। लड़की अच्छी, उठो, लड़की अच्छी है, कभी भी नहीं लेकर आऊंगी उसे मैं घर में। अच्छा वो जाओ यहाँ से। अरे ये इडियट नहीं कहूँ तो क्या कहूँ, मुझसे मेरी कमाई के बारे में पूछ रहा है, कहता है कितना कमाते हैं। अरे कितना भी कमाऊं तुझे क्या, अब रिश्ता देखने जो आते हैं ऐसी ही बातें करते हैं, इसमें क्या बुराई है अगर पूछ लिया तो? तुम्हें कैसे पता कि पूछ रहा था, ये बता रहा था, और फिर ये भी कोई बात है पूछने की, वो भी एक लड़की से। लेकिन वो तो आपसे पूछ रहा है। आपको मेरे लिए रिश्ता पसंद नहीं आया?
हेलो शबाना, ओ सॉरी शेब्स, मुझे जल्दी से अरसन का नंबर सेंड करें। हेलो शबाना, कैसी हैं आप? वो एक्चुअली मुझे आपसे एक काम था, मुझे हानिया का नंबर फॉरवर्ड कर सकती हैं? प्लीज जल्दी कर दें, थैंक यू। हेलो अरसल, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, खैरियत? आप इस वक्त? वो एक्चुअली मुझे आपसे सॉरी कहना था, लेकिन काफी देर से आपका नंबर बिजी जा रहा था। जी एक्चुअली मुझे भी आपसे सॉरी कहना था, तो मैंने शबाना से आपका नंबर लिया और आपको ही कॉल कर रही थी। मुझसे सॉरी कहना था? आज जो कंफ्यूजन हो गई उसके लिए, वो मैंने शबाना से कहा था कि अंकल के लिए कोई आंटी दिखाने के लिए, और वो शायद आपका रिश्ता मेरे लिए ले आई, और ये सब हो गया जो बहुत बुरा लगा मुझे। एक सेकेंड, आपने शबाना से अपने अंकल के लिए रिश्ते का बोला था? मैंने भी तो शबाना को अपनी फूफो के लिए रिश्ते का बोला था। एक्चुअली मुझे लगा कि शबाना ने आपके लिए मेरा, मतलब मेरा रिश्ता आपके लिए, कुछ शायद इस तरह कन्फ्यूजन थी शायद। तो मतलब सारी कन्फ्यूजन हमारे बड़ों को थी, हम क्लियर थे। एक्चुअली मैं पुप्पू की बातों से भी यही समझा था। अरसल क्या हम फिर से मिल सकते हैं? अरसल मतलब? मेरा मतलब है कि आप दोबारा अपने पुप्पू को हमारे घर ला सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, ये कैसे पॉसिबल है यार, अब क्या करें? एक रास्ता है, आपके मामू ने हमारा घर नहीं देखा ना, तो अगर आप अपने मामू को हमारे घर पे ले आए तो कैसा रहेगा? That's a good idea. सही है सही है सही, डन। ये क्या है, कहां से आ रही हैं आप, अभी तक तैयार क्यों नहीं हुई? अरे छोड़ो इन बातों को और मेरी बात सुनो, आज ऐसा बेहतरीन मजा चखा के आ रही हूँ ना उस खड़ूस बुड्ढे को, आया था बड़ा अपनी भांजी की शादी करने के लिए। एक सेकंड, किस बुड्ढे की बात कर रही हैं? मैं समझा नहीं, फोकस नहीं था। क्या हो गया? वो ही जिसके घर गए थे हम, वो जो उसकी भांजी थी, वो अकड़ू बुड्ढा। क्या करके आ गई आप, और आप बाजार गई क्यों थी आज यार? अरे असल तुम पागल हो गए हो क्या? एंजॉय करो इस मोमेंट को बेवकूफ, मैं तुम्हें आइसक्रीम खिलाऊंगी आज, भाड़ में डालो उनको और उनकी अकड़ को। भाड़ में तो वो डालेंगे, मुझे तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी भाड़ में डालने की, और आज ये करने की क्या जरूरत थी? मुझे कहाँ ले आई हो आप? चलिए तो आज तुम्हें मालूम है मार्केट में उस औरत के साथ एक झगड़ा हुआ मेरा, और मैं पिटते पिटते वो मेरे से बची है। कौन औरत? दुश्मनी हो गई, समझो मैं बदला लूंगा बदला। अरे अंकल बस कर देना, ऐसा भी कौन सा दुश्मन आ गया आपकी जिंदगी में जिससे आपने बदला लेना है? दुश्मनी तो हो गई है बेटा। कौन है बताएं भी तो। अरे वही औरत जो अपने बेटे का रिश्ता हमारे घर तुम्हारे लिए लेके आई थी, जो मुझसे मेरी सैलरी पूछ रहा था। क्या? ये बात आप मुझे घर पर भी बता सकते थे ना? अरे यार बता तो रहा था कब से, तुम घर पे सुनती कब हो? अच्छा आप चलिए तो। मूड खराब है मेरा,
अस्सलाम वालेकुम अंकल। अरे तुम मुझे इसके घर ले आई? क्या हुआ अरसल को? अरसल ये लोग यहाँ क्यों आए? फौरन भेजो इन्हें यहाँ से। तुम्हें समझ में नहीं आता? भेजो इन्हें यहाँ से। मेरी बात सुने, घर है मेहमान के साथ ऐसा नहीं करते हैं। आप ही तो समझाती हैं। आ गए हैं तो आने दे। अंकल मुझे सब पता है, प्लीज अंदर चल के। मैं समझाती हूँ ना। अरे हाँ, हमें भी कोई शौक नहीं है यहाँ आने का। हम कौन से भरे जा रहे थे, वो तो ये ले आई मुझे यहाँ पे। ठिकाई तो चेक करो तो जाए ना, इतनी देर क्यों कर रहे हैं जाने में। अरे अंकल प्लीज थोड़ा सा तो ख्याल रखें कि मैं आपके साथ हूँ। आप प्लीज अंदर चले। प्लीज अंदर चलिए। अरे अंदर कैसे चले जब मैं मना कर रही हूँ? हद होती है ढिटाई की, ये क्या बात हुई? अरे कौन से तुम्हारे घर में आने का हमें शौक है? ये अल्लाह मियाँ की जमीन है। हाँ, तुम्हारे घर की मिल्कियत नहीं है ये, नहीं जाते फिर? ये मेरा घर है और मुझसे होती। अरे मैं तुम्हारे तो ऐसी की तैसी। अरे बात कर रहे, जहालत की हद होती है। अच्छा छोड़ो, मैं बता रही हूँ, तुम्हारी समझ में क्यों नहीं आ रही है? हद होती है ढिटाई की। घर आके, हमारे घर में आके हमसे ही जबरदस्ती कर रहे हैं। तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझसे बात नहीं करना।